अगेन अब ये क्वेश्चन जो है वो क्लास 12th मैग्नेटिज्म मैटर से आया हुआ है, पूछा जा रहा है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के बारे में बेसिक की गई है। तो भाई क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जो होता है इसका ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो नेगेटिव होता है, जीरो से कम होता है। तो डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, यहाँ पे काई है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, काई होगा, वो गलती से एक्ट बन गया, ठीक है। तो इसका डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, तो ए जाएगा सेकंड के साथ, ए जाएगा सेकंड के साथ, तो थर्ड गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फेरो किसके साथ जाएगा भाई, फेरो का काई बहुत ज्यादा होता है, तो बी जाएगा थर्ड के साथ, तो बी जाएगा थर्ड के साथ, इसका मतलब क्लियरली ऑप्शन नंबर वन सही है, क्योंकि यहाँ पे बी को तो फर्स्ट साथ भेज रहा है, बी का नहीं, फेरोमैग्नेटिक का काई तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। पैरा का ठीक ठाक होता है, ठीक ठाक मतलब पैरा का क्या जाएगा, पैरा का ये आएगा जीरो से एप्सिलॉन के बीच में, और नॉन मैग्नेटिक का काई जीरो होता है, तो डी का वन होगा, सी का फोर होगा, बी का थर्ड होगा और ए का सेकंड होगा, ये सब कुछ मैच कर रहा है पहले ऑप्शन में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर वन ठीक है। मैग्नेटिज्म मैटर क्लास 12th।